दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथ ही साथ महंगाई भत्ता और 18 महीने के एरियर को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी, उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दो कि एनपीएस का एक और विकेट गिर चुका है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद छठवां राज्य होगा सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ चुकी है, सिक्किम में अब पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस का विकेट गिर चुका है, अब ओपीएस बहाली सिक्किम राज्य में की जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल होने जा रही है। ऐसे में दोस्तों अब सिक्किम एक ऐसा राज्य होने वाला है जहां पे पुरानी पेंशन बहाली का आदेश जारी किया जाने वाला है। वहां के सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। दोस्तों सिक्किम में अब पुरानी पेंशन बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है महंगाई भत्ते को लेकर। जी हां दोस्तों, जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस हो चुका है। जी हां दोस्तों, डीए 50% होते ही आपकी सैलरी और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। आचार संहिता लगने के पहले पहले इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और मार्च महीने की सैलरी और पेंशन के साथ 50% डीए आपके खाते में जमा होने वाला है। 50% डीए होने से आपका एचआरए यानी कि हाउस रेंटल अलाउंस में बढ़ोतरी हो जाने वाली है। जो अभी 27% एचआरए पा रहे हैं उनका एचआरए बढ़कर 30% हो जाएगा। जो 18% एचआरए पा रहे हैं तो उनका बढ़कर 20% हो जाएगा। जो अभी 9% एचआरए पा रहे हैं तो उनका बढ़कर एचआरए 10% हो जाएगा। इस प्रकार से 50% डीए होने से आपकी सैलरी और पेंशन में 4 से 5 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ ग्रेजुटी की लिमिट 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी ग्रेजुटी की लिमिट 20 लाख रुपये है जो कि 25 लाख रुपये होने वाली है। वहीं दोस्तों डीए 50% होने से आपके भत्तों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस ये जो भत्ता है इसमें भी बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही साथ ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि टीए में भी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों आठवें पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है कि आठवां पे कमीशन नहीं आएगा। केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दे दिया है कि केंद्र सरकार का विचार आठवें वेतन आयोग को लेकर नहीं है। ऐसे में दोस्तों कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन किया जाए, लेकिन राज्यसभा में पंकज चौधरी ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि सरकार की मंशा आठवें वेतन आयोग लाने को लेकर नहीं है।